नमस्कार दोस्तों, एज यूजुअल जो हमारे चैनल का टैगलाइन है क्रिस्टल क्लियर और लीक से हटकर बात, हिस्ट्री में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, अनछुए फैक्ट्स, अनछुए पहलुओं के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ इस वीडियो में। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा करेंगे जिसमें हम तोड़ेंगे मिथ, और वो मिथ है कि जिना तो देखिए वो सेक्युलर था, जिना के अंदर कोई जो है वो इस्लामिक टिंज नहीं था। पाकिस्तान का उसका जो डिमांड है वो एक तरह से उसका उसकी पॉलिटिकल कंपल्शन थी। कई लोग जिना को बॉम्बे बॉय कह के बुलाते हैं क्योंकि उसका अटैचमेंट बॉम्बे और उसके अपने घर से बहुत ज़्यादा था। तो वो इस लिहाज से कहते हैं कि जिना को पार्टीशन नहीं चाहिए था, बस उसे पावर शेयरिंग करनी थी, उसे कांग्रेस में गांधी नेहरू पटेल के बराबर आना था और उस बेसिस पर, पैरिटी के बेसिस पर उसे ट्रीट करना चाहिए था, तो पार्टीशन नहीं होता क्योंकि जिना पार्टीशन नहीं चाहता था। ये एक तरह का नैरेटिव है। वहीं आयशा जलाल जो पाकिस्तान की हिस्टोरियन हैं, वो भी अपना एक अलग थीसिस दे रखा है उन्होंने, जिसमें वो कहती हैं कि जिना का जो पूरा पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट और डिमांड है वो जस्ट एक बार्गेनिंग काउंटर है, जिसमें वो सिर्फ कांग्रेस के साथ पैरिटी चाहता है, सेंटर में वो एक अपना शेयर चाहता है जहां मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो पार्टीशन की बात नहीं करता है, वो एक नए देश की बात नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस की हठधर्मिता, पटेल और नेहरू के जिद ने जो है पार्टीशन को कराया, जिना इसके लिए कोई दोषी नहीं है। तो इस तरह से जिना पे कई तरह के कलर लगाए जाते हैं। जितने भी जिना अपोलॉजिस्ट हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने आप को ज़रा सा सेकुलर दिखने और जिना को पूरी तरह से सेकुलर दिखाने के लिए जिना को कभी बॉम्बे बॉय वाली छवि देते हैं, जिना को कभी सेकुलर बताते हैं, जिना को कभी वो वकील की तरह पेश करते हैं कि उसके सामने एक केस था, जिना ने ये कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में ये केस लड़ा और पाकिस्तान केस को जीतकर मुसलमानों को दे दिया। कई लोग ये कहते हैं कि जिना इतना प्रोग्रेसिव था कि वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर पाकिस्तान बनाना चाहता था जहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। इन सभी मिथ को मैं सिर्फ आज एक छोटे से फैक्ट से धाराशाही करने वाला हूं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गौर से सुनिएगा इस स्टोरी को, ये स्टोरी बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार इसे पढ़ा तो मेरे कान खड़े हो गए। तो जी सुनते हैं इस स्टोरी को। तो जैसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो मूवमेंट है वो 1940 में जो है वो पॉलिटिकल रूप लिया जब लाहौर रेजोल्यूशन लाया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, और डिमांड किया गया कि हमारे पास एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए। वो एक पहला खाका था जहां पे क्लियर कट तरीके से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर में पेश किया। लाहौर रेजोल्यूशन जो 1940 में आया था, उसके जस्ट चंद महीनों के बाद मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े नेता यूपी से, नवाब इस्माइल खान, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो कह लें आप, जिना के कोटरी के एक बहुत अहम सदस्य थे नवाब इस्माइल खान, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई लखनऊ में। और ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो पाकिस्तान जो फ्यूचर में बनने वाला है उसके इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के एक ड्राफ्ट को बनाने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। नदवतुल उलामा जो लखनऊ का एक थियोलॉजिकल स्कूल है मुस्लिम्स का, वहाँ पर उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। और इस कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स थे, नवाब इस्माइल खान तो थे ही, साथ में खालिक-उज़-ज़मान साहब भी थे और वो भी मुस्लिम लीग के एक अहम नेता थे। तीसरे सबसे अहम व्यक्ति इसमें थे सैयद सुलेमान नदवी, जो हेड थे नदवतुल उलामा के, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका इस कमेटी में, इस कॉन्फ्रेंस में लेने वाले थे। सैयद सुलेमान नदवी जो हैं वो ये इंडिया में उस वक्त के बहुत बड़े उलेमा थे। ये शिबली नोमानी जो उलेमा था उसके चेले थे और अशरफ अली थानवी के भी बहुत बड़े सहयोगी। इनके तार कई खिलाफती लीडर से भी जुड़े हुए थे, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ भी जो है वो इनके बड़े नज़दीकी के रिश्ते थे। एक चौथा मेम्बर था इसमें अब्दुल माजिद दरियाबादी, जो नदवतुल उलेमा का ही एक उलेमा था जो इस पर्टिकुलर मीटिंग में शामिल हुआ। अब इस मीटिंग में उद्देश्य जो मैंने बताया पहले कि एक ऑब्जेक्टिव था इसका कि हम एक ड्राफ्ट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं,
तो सैयद सुलेमान नदवी साहब को इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में इजाज़त दी गई कि आप एक कमेटी बनाएं जो यहाँ मेंबर्स बैठे हैं और एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्यूचर का जो पाकिस्तान है उसके लिए, उस पर काम करें। ये जो सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक किताब में है, इस्लाम का सियासी निज़ाम, जिसमें इस्लाम के सियासी निज़ाम का असासी खाका पेश किया गया है। ये किताब 1957 में अब्दुल माजिद दरियाबादी के द्वारा लिखी गई है, जो आज़मगढ़ में छपी। ये सारी जानकारी मैं वहीं से आपको दे रहा हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई गई सैयद सुलेमान नदवी के अध्यक्षता में, और उनसे कहा गया कि इस कमेटी के थ्रू जो है आप एक फ्यूचर के पाकिस्तान के लिए एक ड्राफ्ट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। गौर कीजिएगा, ये पुश, ये ड्राइव मुस्लिम लीग कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग के दो सबसे बड़े नेता जिन्ना के बाद, पहले आपके नवाब इस्माइल खान और दूसरे खालिकुज़्ज़मन, दोनों इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और इस पूरे कॉन्फ्रेंस और बाद के फ्यूचर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो खर्च है उसको बियर किया था नवाब छत्री, जो मुस्लिम लीग के भी अपने सदस्य थे और इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लीग का स्पॉन्सर्ड एजेंडा था। अब सैयद नदवी साहब ने जो है वो उन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसका नाम था मोहम्मद ईशक संदेलवी। लखनऊ के थियोलॉजिकल स्कूल का ही एक उलेमा था। मोहम्मद ईशक संदेलवी को नियुक्त किया गया कि आप एक ड्राफ्ट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए और सभी मेंबर्स में आप बांटिए, और बाद में ये सारे मेंबर्स जो हैं इस पर क्रिटिकल एसे लिख कर लाएंगे, और फिर एक हम फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जो फ्यूचर के पाकिस्तान के इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। अब्दुल माजिद दरियाबादी, जिनकी किताब से ये सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं, उनका कहना था कि चंद महीनों के बाद ही संदेलवी ने कोई छोटा मोटा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक 300 पेज का पूरा ट्रिटाइज, एक पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार करके दिया और सभी मेंबर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके चंद दिन के बाद अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपना क्रिटिकल एसे लिखकर उसको नदवी साहब को दिया, ये उम्मीद करते हुए कि बाकी मेंबर्स भी देंगे और एक मीटिंग बुलाई जाएगी और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का पाकिस्तान के लिए। बट बहुत सस्पेंसफुल है कि अगली कोई मीटिंग हुई ही नहीं। 1940 के बाद ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन संदेलवी के बनाने के बाद कोई मीटिंग हुई ही नहीं। 1946 में सीपी, जो उस समय सेंट्रल प्रोविंस, आज का जो मध्य प्रदेश है, सीपी का एक बंदा है अजीजुद्दीन, जो कांटेक्ट करता है अब्दुल माजिद दरियाबादी को, जो उस कमेटी में मेंबर था 1940 के कमेटी में, और वो कहता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन मारीफ मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हूँ, और आपने जो ट्रिटाइज लिखा है और जो संदेलवी साहब की जो कॉपी है, अगर आप वो मुझे दे दें तो मैं उसे प्रिंट करा दूंगा ताकि कम्युनिटी के लार्जर बेनिफिट के लिए काम आएगा। अब्दुल माजिद दरियाबादी को एक अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मीटिंग होगी तो हम लोग अपना ड्राफ्ट फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई। तो उन्होंने रजिस्टर डाक से अपना क्रिटिकल एसे पार्ट और संदेलवी का जो पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उन्होंने सबमिट कर दिया, भिजवा दिया उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से, और नदवी साहब को सूचित कर दिया कि मैंने ऐसा किया है। आश्चर्य की बात यह है कि वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन संदेलवी ने बनाया था और जिसको दरियाबादी ने भेजा था, वो उसके बाद कहीं नहीं मिला। जो व्यक्ति अजीजुद्दीन था उसका भी पता कहीं नहीं चला। अब्दुल माजिद दरियाबादी इसको ढूंढा काफ़ी पर उसे नहीं मिला। फाइनली ही थॉट कि ये चीज़ गुम हो गई है और वो फिर भूल गया। फाइनली 1957 में जो सैयद सुलेमान नदवी जो अध्यक्ष थे 1940 कमेटी के, उनका जो कॉपी था संदेलवी का, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके पास पड़ा था, वो कॉपी जो है वो आज़मगढ़ के एक इंस्टीट्यूशन है, जो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, दारुल मुसन्निफीन, उसने इस पर्टिकुलर ट्रीटाइज को और ड्राफ्ट को पूरा छापा। जो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने जो पूरा लिखा था वो सारी चीज़ें उसने छापी, जहाँ से ये रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये पूरी कहानी बताने का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये कि देखिए, जो ये बात कही जाती है कि जिन्ना जो है वो काफ़ी सेक्युलर था और पाकिस्तान के बारे में वो सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ एक बारगेनिंग काउंटर है, वो ये गलत बात है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के साथ ही फ्यूचर के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करना अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हम सिर्फ बारगेन नहीं कर रहे थे बल्कि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स के लिए वो घर कर चुका था और जिन्ना उससे ओतप्रोत था। तो ये तो पहली बात रही।
दूसरी बात ये रही कि जो सेकुलर का लबादा पहनाने की जो कोशिश की जाती है जिना पे, वो इससे साफ साफ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो नैरेटिव पूरा झूठा है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही एक ऐसी कमेटी बनाई जिसने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्योंकि संदेलवी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे, वो एक प्योर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है इस मॉडर्न डे में। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सोशलिज्म के खिलाफ है, कम्युनिज्म के खिलाफ है, वो हर चीज़ का क्रिटिकल रिव्यू करता है और वो बताता है कि किस तरह से शूराए मजलिस होना चाहिए जिसमें उलेमाओं का रोल होना चाहिए, शरिया के हिसाब से कानून बनने चाहिए, और जो हेड ऑफ़ स्टेट है उसका चुनाव भी जो है वो शूराए मजलिस से हो, और जो हेड ऑफ़ स्टेट है वो कोई भी ऐसा एक्शन न ले सके जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। जो सोवरेंटी होती है किसी नेशन की, जो जनरली उसके पीपल में रेस्ट करती है, संदेलवी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सोवरेंटी अल्लाह को देनी है, और वही फ्यूचर के पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आप देखते भी हैं। तो ये कड़ी मैं वहाँ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो सैयद सुलेमान नदवी इस पर्टिकुलर कमेटी का हेड था, 1947 में जब पाकिस्तान बट गया, तो एक ख्वाजा नजमुद्दीन है बंगाल का, बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, वो मुस्लिम लीग का मेंबर था, जिना के बाद वही गवर्नर जनरल बना पाकिस्तान का। उसका भाई है ख्वाजा शहाबुद्दीन, जिसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी सैयद सुलेमान नदवी से, और जिना के कहने के कारण ख्वाजा शहाबुद्दीन ने पैरवी किया सैयद नदवी से कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करें। और जिना के द्वारा बनाई गई तालीमात इस्लाम, जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जो एडवाइस करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कहीं कोई इस्लामिक रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्पेशल कमेटी तालीमात इस्लामिया में बिठाने के लिए, उसको हेड करने के लिए सैयद सुलेमान नदवी साहब को पाकिस्तान बुलाया गया, और उन्होंने वो सारे रिकमेंडेशन दिए जो संदेलवी ने दिए थे। संदेलवी ने वो सारे रिकमेंडेशन पहले ही दे रखे थे जो मैंने इसकी चर्चा की, नॉन मुस्लिम्स का ट्रीटमेंट कैसा होगा, वो जिम्मियों का तरह होगा, वो भी संदेलवी ने अपने ट्रीटाइज में दे रखा था। नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो आर्मी में नहीं जा सकते हैं, वो कोई पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं, किसी तरह के सिविल गवर्नेंस में अहम भूमिका में नहीं रह सकते हैं, ये सारी बात संदेलवी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा, और ये सारी बात बाद के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या बाद के जो 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने बनाए उन सब में रिफ्लेक्ट होता है। सबसे अहम बात कि जितने भी उलेमाओं के टोटल मिलाकर डिमांड 1951 में जो 20 पॉइंट प्रोग्राम उलेमाओं ने पाकिस्तान में दिया, वो सारे डिमांड कहीं ना कहीं संदेलवी के डिमांड से मैच खाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच खाते हैं। तो संदेलवी और उस कमेटी ने जो काम किया था, जिसको मुस्लिम लीग ने स्पॉन्सर किया था, उसका पूरा रिफ्लेक्शन हम लोग पार्टीशन के बाद नए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और लेटर ऑन पीरियड के भी जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने उसमें उसकी झलक दिखती है। कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उसको प्रिंट नहीं किया गया। तो देखिए, प्रिंट न करने की कुछ खास वजहें हो सकती हैं। पहली बात कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्यूचर के पाकिस्तान के लिए, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बट नेचुरल एक मेजॉरिटेरियन सुन्नी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि संदेलवी का कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक में लेकर आएंगे 1940s में, जब पाकिस्तान नहीं बना है, तो आपके शिया नाराज़ हो जाएंगे, आपके अहमदीज नाराज़ हो जाएंगे, जो सारे लोग आपके पाकिस्तान मूवमेंट में शामिल थे। ये पर्टिकुलर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन देवबंदियों ने बनाया, नदवातुल उलमा के थियोलॉजिकल उलेमाओं ने बनाया, जो कि कम्प्लीटली अगेंस्ट थे बरेलवियों के। सारे बरेलवी इससे नाराज़ हो जाते इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो देखते, तो बरेलवी को भी सूद करने के लिए ये बेहतर था कि इसको उजागर न किया जाए। ये बहुत सारे इसमें हैं, क्योंकि राजा महमूदाबाद ने भी एक लेटर 1940 में ही लिखा है जब जिना को, कि भाई फ्यूचर के पाकिस्तान में शिया के इंटरेस्ट का क्या होगा, तो वहाँ जिना उसको समझा रहा है, उसको डांट रहा है। तो ये सारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान को कभी भी जिना ने डिफाइन नहीं किया। अब डिफाइन न करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका बार्गेनिंग काउंटर था, एक ऐसे ही ब्लफ था जिसके तहत वो अपना कार्ड गेम कांग्रेस के साथ खेल रहा था। उसने डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को डिफाइन करने जाएगा तो वो एक सेक्टेरियन मेजॉरिटेरियन सुन्नी इस्लामिक पाकिस्तान दिखेगा,
और जो अदर फैक्शंस हैं, जो अदर फिरके हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे दूर, तो बट नेचुरल है कि उसको डिफाइन ना करो। तो जो लोग भी ये कहते हैं, खासकर पाकिस्तान में एक बड़ा नैरेटिव है जो ट्विटर वर्ल्ड में भी हम लोग बहुत देखते हैं कि जी हमें तो ज़ियाउल हक ने बर्बाद कर दिया, उसने हमें इस्लामाइज़ कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल नहीं, ज़ियाउल हक ने जो भी कुछ किया, एम्पलीफाई किया इन सारे प्रोसेसेस को, वो उसका उस पीरियड में रोल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पेड़ को लगाते वक्त जिन्ना ने खुद कई बोरी नमक उसकी जड़ों में डाल दिया था। तो ये सब जिन्ना की कारिस्तानी है, जिन्ना की अपनी सोच है, जिन्ना का अपना पॉलिटिकल माइंडसेट है जो कहीं से सेक्युलर नहीं है। हार्ड कम्युनल लाइन पर जिन्ना की अपनी सोच थी, जिसको कई अपोलॉजिस्ट नकारने की कोशिश करते हैं। एक सेपरेटिस्ट माइंड का पॉलिटिशियन, उसका जो पूरा खाका है वो आपके सामने है। तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, ये जो पूरा इंटरेस्टिंग एक इवेंट बताया जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पाकिस्तान के बनने के पहले और उसके बनने के बाद की कहानी में मुस्लिम लीग, जिन्ना और उलेमाओं का क्या रोल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री में संदेलवी के इस कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है टू अंडरस्टैंड दी नेचर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अनोखी बातें अगर सुननी हैं, इतिहास का एक नया पर्सपेक्टिव लेना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक के लिए। नमस्ते।